नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगता है योगी आदित्यनाथ अपने कोर वोटर्स को अपनी प्रचंड जीत का रिटर्न गिफ्ट इसी साल चुका देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे की भी मांग हो गई है। यानी ज्ञानवापी मस्जिद के बाद ये दूसरी मस्जिद है जो कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद है और इसके भी सर्वे की अब बात स्वीकार हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में मनीष यादव की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट शाही ईदगाह मस्जिद का वीडियोग्राफी सर्वे कराने की याचिका की सुनवाई 1 जुलाई को करेगा और हिंदुओं के अंदर जो माहौल है वो कुछ इस समय ऐसा है। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। बता दें कि हाई कोर्ट ने 4 महीने के अंदर मामले के निस्तारण का आदेश दिया है। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और मनीष यादव की याचिकाओं पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 21 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। ध्यान देने योग्य है कि शाही ईदगाह मामले में हाई कोर्ट द्वारा मथुरा कोर्ट को दिए गए 4 महीने में निस्तारण के निर्देश पर मथुरा के लोगों में इस समय बहुत खुशी का माहौल है। मथुरा के साधु संत धर्माचार्य और याचिकाकर्ता कहते हैं कि कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करके फैसला सुनाए। धर्माचार्य नागेंद्र महाराज ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह का सर्वे भी कोर्ट द्वारा कराया जाए और साथ ही इस मामले को जल्द निपटाया जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक के बाद एक मस्जिदों का सत्य पता लगाने के लिए कोर्ट द्वारा PIL मंजूर करी जा रही है, उससे लगता है कि सालों से सोए हुए कुछ न्यायाधीशों को जगाने के लिए वो क्रांतिकारी संत अब रुकने वाला नहीं है। वो समझ चुका है कि अब जो हिंदू हित के काम करेगा वही देश पर राज करेगा। बट इज दिस ट्रू? और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि मेरी सालों की रिसर्च कहती है। मैंने कई मल्टीबिलियन IT, ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर्स में बहुत सीनियर पोजीशंस पे काम किया है। आज पोस्ट कोविड वर्ल्ड में ऑनलाइन पॉलिटिकल रैलीज के ज़माने में हिंदू डिजिटल इकोसिस्टम भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम है। इट्स अ फैक्ट और इस बात को आप इग्नोर कर सकते हैं पर उससे फैक्ट चेंज नहीं होगा। अब मुद्दा यह है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह को लेकर कोर्ट में श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करने वाले मनीष यादव ने आज सिविल सीनियर जज डिवीजन की कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र में मनीष यादव ने मांग करी कि किसी एडवोकेट को कमिश्नर नियुक्त करके शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट मांगी जाए और पता लगाया जाए क्या ये सही मायने में श्री कृष्ण जी का जन्मस्थल है। और मनीष यादव की तरफ से कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में लिखा है कि शाही ईदगाह में प्राचीन शिलालेख और पौराणिक साक्ष्य मौजूद हैं जो ईदगाह में दबा दिए गए हैं। पौराणिक साक्ष्यों को गायब कर दिया गया है। इस स्थिति को अदालत के समक्ष लाना आवश्यक है। किसी वरिष्ठ एडवोकेट को कमिश्नर नियुक्त करके मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाए। प्रार्थना पत्र में मनीष यादव ने अंदेशा जता दिया है कि अगर कमीशन जारी नहीं किया जाता तो प्रतिवादी गण हिंदू निशानियों को मिटा सकते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि प्रतिवादी गण वाराणसी के ज्ञानवापी केस से प्रभावित होकर साक्ष्य मिटा सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये न्यूज़? कमेंट में अपनी राय बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।